हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? तो देखिए, हरियाणा एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन लॉ, हरियाणा का एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन लॉ क्या है, चलिए देखते हैं। द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑन नवंबर 17 क्वाश्ड लॉ इनेक्टेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट इन 2021 दैट गारंटीड 75% रिजर्वेशन टू लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स इन हरियाणा। अ डिविजन बेंच ऑफ जस्टिस जीएस संधावालिया एंड हरप्रीत कौर जीवन रूल दैट द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायोलेटेड फंडामेंटल राइट्स। वेरी गुड, यही तो है अपनी ये जो क्या कहते हैं जुडिशरी है, बहुत अच्छी लगती है मेरे को। कभी कभार कोई भी खराब लॉ आता है, वो लोग पहले उसको हटा देते हैं। हटाओ हटाओ हटाओ, क्या कर रहे हो? वॉट डज द रिजर्वेशन लॉ से क्या कह दिया कि उन लोगों को लगा फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है? असेंबली पास द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट एंड लोकल कैंडिडेट बिल विच मेड इट मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर्स टू इन द स्टेट टू रिजर्व 75% जॉब पेइंग अ मंथली सैलरी ऑफ लेस देन ₹30,000, ओरिजिनली 50,000 फॉर लोकल रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट। द बिल रिसीव द गवर्नर्स असेंट ऑन मार्च 2, 2021 एंड केम इन टू इफेक्ट इन जनवरी लास्ट ईयर। द लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल प्राइवेट एंटिटीज इन द स्टेट इंक्लूडिंग कंपनीज, ट्रस्ट, सोसाइटीज, पार्टनरशिप्स एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स। इट ऑल्सो कवर्स एनी पर्सन कॉपिंग एम्प्लॉइंग 10% 10 और मोर पर्सन फॉर पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोवाइडिंग। तो ये मतलब भाई 75% लोग हरियाणा के ही होने चाहिए, लोकल रेसिडेंट होने चाहिए और बाहर के नहीं होंगे। किसके ऊपर है? कंपनीज, ट्रस्ट, सोसाइटी, पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, सबके ऊपर अवेलेबल है। और ये कोई भी आदमी जो 10 लोगों को काम दे रहा है या उनसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में, उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। तो 10 में से दे रहा है तो 75% कितना हो गया? आप मानो 7.5, मतलब 8 लोग हरियाणा के होने चाहिए, 2 अपने बुलाओ आप कहीं से। अ लोकल कैंडिडेट हैज़ बिन डिफाइंड अंडर अ लॉ एज एनी वन डोमिसाइल्ड इन हरियाणा इन द पास्ट 5 ईयर। सच कैंडिडेट्स विल हैव टू मैंडेटोरली रजिस्टर देमसेल्फ ऑन अ डेजिग्नेटेड पोर्टल इन ऑर्डर टू अवेल बेनिफिट्स एंड एम्प्लॉयर्स हैव टू मेक रिक्योरमेंट्स ओनली थ्रू दिस पोर्टल। कंपनीज कैन सीक एन एग्जेम्पशन इफ दे डू नॉट फाइंड लोकल कैंडिडेट्स ऑफ अ डिजायर्ड स्किल और क्वालिफिकेशन, बट दिस क्लेम कैन बी रिजेक्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इफ दे डाउट इट्स लेजिटिमेसी। एम्प्लॉयर्स फाउंड टू बी वायलेटिंग द एक्ट आर लाइबल टू फाइन बिटवीन 10,000 to 2 lakh rupees। इसका मतलब ये है, लोकल कैंडिडेट को वहाँ पर डिफाइन कर दिया गया। लोकल कैंडिडेट क्या है आपका? जिसका 5 साल का डोमिसाइल हरियाणा का है, ठीक है। वहाँ पे एक डेजिग्नेटेड पोर्टल बनाया गया है, उस पोर्टल पे सब लोग अवेलेबल रहेंगे। और जैसे मैं, मेरी कंपनी है, मैं वहाँ पे लोगों को जॉब दे रहा हूँ, तो वो मैं उस पोर्टल पे जाके लोगों को करूँगा। पर मानो अगर मेरे को कोई एक आर्किटेक्ट चाहिए और वहाँ पे मेरे हिसाब से कोई अच्छा आर्किटेक्ट नहीं है या जो क्वालिफिकेशन मैं मांग रहा हूँ वो नहीं है, तब मैं जाके डिजायर्ड स्किल्स मेरे को नहीं मिल रहा है, तब मैं बाहर के लोगों को ले सकता हूँ। पर मेरे इस क्लेम को भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है कैंसिल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं ये तो गलत कर रहा है, और फिर फाइन लगा सकते हैं 10,000 से 2 लाख रुपए तक का। तो ये तो लॉ था। तो क्या यहाँ पे ईज ऑफ बिजनेस हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, मेरी कंपनी, मेरा पैसा, मेरा मन, मैं कहीं भी लगाऊँ, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ, करो। अब तुम बोलो मेरे बेटे को आके तुम लो, गवर्नमेंट वाला बोले कि भाई आप हमारे बेटे को नौकरी पे रखिए नहीं तो फैक्ट्री बंद करिए, तो भाई ये तो गलत है ना। पैसा मैं लगा रहा हूँ, रिस्क मैं ले रहा हूँ, बिजनेस मैं कर रहा हूँ, तुमको टैक्स भी दे रहा हूँ, कुछ चोरी कर नहीं रहा तुम्हारा, ऊपर से जो तुम्हारे 1-2 लोग हैं उनको भी मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके दे रहा हूँ। तो इसलिए ये चीज़ गलत मुझको लग रहा है, एज आप बिजनेसमैन सोचिए ये गलत है। वाई वॉज द लॉ चैलेंज? सेवरल इंडस्ट्री एसोसिएशन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द लॉ ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज द राइट टू फ्रीडम इंक्लूडिंग टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, बिजनेस और ट्रेड। दे ऑल्सो कंटेंडेड दैट द लॉ वॉज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 15 विच प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द वेरियस ग्राउंड सच एज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। द कोर्ट was also apprised that the reservation creates a wedge between person domiciled in different state and in contrary to concept of common citizenship envisaged in the constitution. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आर्टिकल 14 ध्यान रखो,
15 ध्यान रखो, 19 ध्यान रखो, ये तीन तो आर्टिकल पहली बात वायलेट हो रहे हैं। उसके बाद से ये जो कॉमन सिटीजनशिप वाला है हमारा इशू कि हम इंडिया में तो हमारी एक ही सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप। हम तो ऐसा नहीं कि हरियाणा का अलग सिटीजन है, यूपी का अलग सिटीजन है, तो ये ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे वायलेट हो रही थी। हाउ हैज स्टेट डिफेंडेड इट? द स्टेट गवर्नमेंट कंटेंडेड दैट द लॉ इंटेंड्स टू प्रोटेक्ट द राइट टू लाइवलीहुड टू पीपल डोमिसाइल्ड इन द स्टेट। तो उसको बस ये चाहिए था कि जो स्टेट के लोग हैं उनको नौकरी मिले, स्टेट गवर्नमेंट ये कह रहे हैं। एंड दैट द इनेक्टमेंट वॉज रूटेड इन द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा, और अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में बढ़ी रहा है। तो पढ़ो लिखो रे, इट वॉज ऑल्सो सेड दैट द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू क्रिएट सच रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टिपुलेट द राइट इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट ऑफ मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन विच इन ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं 16 क्लॉज 4 आप पढ़ो, हमारे पास ये राइट है कि हम अगर हमें लग रहा है कि कोई बैकवर्ड क्लास है हम उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। तो इन्होंने 16 क्लॉज यहाँ पे आपको बताया है। हैव अदर स्टेट्स इनेक्टेड सच लॉ? क्या और भी कोई स्टेट है? स्टेट सच एज महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश हैव इनेक्टेड लॉ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर देयर लोकल रेसिडेंट इन अ प्राइवेट सेक्टर। इन नवंबर 2019 द आंध्र प्रदेश असेंबली पास दी आंध्र प्रदेश असेंबली पास दी आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट एंड लोकल कैंडिडेट इन द इंडस्ट्री फैक्ट्रीज बिल 2019 रिजर्विंग 3/4 ऑफ द जॉब फॉर लोकल कैंडिडेट्स विद इन 3 ईयर्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। द लॉ वॉज सब्सिक्वेंटली चैलेंज इन द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट विच ओपिन दैट इट मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हाउ एवर इट चैलेंज द चैलेंज इज येट टू बी हर्ड ऑन इट्स मेरिट्स। हैज द सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्ड? क्या सुप्रीम कोर्ट बीच में आया है? ऑन फेब्रुअरी 2022 द हाई कोर्ट पास्ड एन इंटरिम ऑर्डर सेइंग दैट द लॉ फॉलोइंग सच एज डिविजनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट बेंच सेट इट असाइड ऑन द ग्राउंड दैट द हाई कोर्ट हैड नॉट प्रोवाइडेड सफिशियंट रीजन फॉर पुटिंग अ लॉ ऑन होल्ड। द हाई कोर्ट वॉज ऑर्डर टू एक्सपीडियसली डिसाइड द पिटिशन एंड द हरियाणा गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो डायरेक्टेड टू नॉट टेक एनी कोर्सिव स्टेप अगेंस्ट कंपनीज फॉर नॉन कंप्लायंस अंटिल द मैटर इज फाइनली डिसाइडेड अपॉन। वाई डिड द हाई कोर्ट क्वाश इट? हाई कोर्ट ने क्यों इसको खत्म किया? द कोर्ट रूल्ड दैट द लॉ वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू द एक्सटेंट दैट द पर्सन राइट टू कैरी ऑन ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बींग इम्पेयर्ड। इट ऑल्सो हाईलाइटेड दैट द लॉ डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट इंडिविजुअल हु डू नॉट बिलोंग टू अ सर्टेन स्टेट बट पुटिंग अप आर्टिफिशियल वॉल थ्रू आउट द कंट्री। तो हमारा तो मेन वॉल कंट्री का है, उसके अंदर हर जगह सबका इक्वल राइट है। अब ये अपना एक छोटा सा जगह लेके उसमें एक आर्टिफिशियल वॉल बना रहे हैं कि इस स्टेट वालों को नौकरी देंगे, तो ये चीज़ गलत है। प्लेसिंग रिलायंस ऑन आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल द कोर्ट आउटलाइन दैट द प्रोविजन बार्स द स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम लेजिस्लेटिंग ऑन द मैटर दैट फॉल विद इन द प्रिव्यू ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये रिट ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे हुआ कि भाई बाय वॉट अथॉरिटी इन्होंने ये किया होगा कि आर्टिकल 16 क्लॉज 3 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सिंस ओनली द पार्लियामेंट कैन पास लॉ ऑन सच सब्जेक्ट्स रेफरिंग टू आर्टिकल 6 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट विच रिक्वायर एम्प्लॉयर टू सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट्स विद डिटेल टू लोकल कैंडिडेट एम्प्लॉयड इन सेक्शन 8 अंडर विच ऑफिसर कुड कॉल फॉर डॉक्यूमेंट टू इंश्योर द लॉ वॉज बींग इम्प्लीमेंटेड। द कोर्ट सेड दैट दिस रिस्ट्रिक्शन अमाउंटेड टू इंस्पेक्टर राज दैट फर्दर स्टेट कंट्रोल ओवर द प्राइवेट एम्प्लॉयर। अब आप देखिए इसमें हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले आप देखिए आर्टिकल 14
डिजायर्ड स्किल्स नहीं मिल रहे तब आप बाहर से हायर करिए, पर इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ये एक चीज होगी। यहाँ पे चैलेंज ये हो रहा है, आप देखिए राइट टू इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, ये राइट टू इक्वालिटी कौन कर सकता है, लॉ कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है। यहाँ पे 16 क्लॉज 3 में जो बोला जा रहा है वो लॉ कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है। यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ भी नहीं है, राइट टू इक्वालिटी भी नहीं है। पहली बात, जो इंडिया है आपका, इंडिया एक स्टेट है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, पर आप हरियाणा का ऐसे एक वर्चुअल वॉल क्रिएट कर दे रहे हो कि हरियाणा वालों मैं तुमको जॉब दे रहा हूँ, तो हरियाणा एज अ अलग एंटिटी दिख रहा है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, सारे सिटीजन का हर जगह अपना इक्वल राइट है, चाहे वो किसी भी कोने में देश के हो। फ्रीडम टू प्रोफेस यहाँ पर आता है, तो यहाँ पे आप कोई भी प्रोफेस करो, कुछ भी अपना काम करो, किसी भी जगह पे करो, अगर आप पीसफुली कर रहे हो और सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को आप फॉलो कर रहे हो, तो आपके कोई कुछ कर नहीं सकता। ये आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट मतलब जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, पर ये चीज़ शायद यहाँ पे इन्फ्रिंज हो रही थी कहीं ना कहीं, इसलिए इस लॉ को हाई कोर्ट ने, हरियाणा हाई कोर्ट ने क्वाश किया है और इसको वॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया है। तो यही इशू था जो मैंने आपको बताया। सो थैंक यू गाइस, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।